Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics. And in this series we have started chapter number 7 and we are currently on our exercise 7.1 jisme students humne question number 15 tak wind up kar liya hai aur aaj hum uske baad se start lene wale hain. So without any further ado, let's get started. Students, question number 16 aapke paas yahan maujood hai. The line segment joining P एंड क्यू है ना, पी और क्यू के दो पॉइंट हमें यहाँ गिवन है. इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सही है भाई. तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ भाई इस तरह. सही है, ये सपोज कर ले मेरे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, है ना. हमसे कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है, ठीक है, जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं ना, पी एंड क्यू वाली, सही है. तो ये लाइन इस एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से कट कर रही है, कुछ इस तरह ये कट कर रही है, ठीक है. पुलिस पेड़ी बन गई, सीधी बना पे आते हैं. सपोज कर ले ये हमारे पास लाइन, सही. तो एक हमारे पास ये इसका कट का पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है पी का और ये जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है ये क्यू का पॉइंट है. सही है. और हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट मौजूद है, सही है, ये हमारे पास वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया. तो इसको मैं सपोज कर लेते हैं भाई इस तरीके से, मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्या नाम दे देंगे इसको, इसको हम नाम दे देंगे ए का पॉइंट. नाम देने की बात ही नहीं भाई, ऊपर इसने हमसे कह दिया है कि ये ए और बी के पॉइंट, ठीक है. तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ये बी का पॉइंट कहलाएगा. स्टूडेंट्स, अगर मैं ए का पॉइंट आपसे पूछूं कि ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे. देखिए, ये लाइन, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और हम जानते हैं वाई एक्सिस पे जो एक्स का पॉइंट होता है वो जीरो होता है और वाई कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे. तो मतलब ये हमारे पास होगा जीरो कॉमा वाई. सिमिलरली अगर मैं बी के पॉइंट की बात करूँ जो कि एक्स एक्सिस पे मौजूद है, तो यहाँ हमारे पास जो y का पॉइंट होगा वो जीरो होगा, लेकिन x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. तो x एक आर्बिटरी पॉइंट है और y एक आर्बिटरी पॉइंट है, ठीक है, a और b के लिए. सही हो गया. हमें यहाँ पे इन a और b में y और x की वैल्यूज नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिंपल रेशियो चाहिए कि लाइन जो कट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब a पे किस रेशियो से कट कर रहा है और b पे किस रेशियो से कट कर रहा है. तो हमें ये पॉइंट जो है वो चाहिए, ठीक हो गया. जैसे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास आएगा बी का पॉइंट और यहाँ पे ए का पॉइंट आ जाएगा, रियली सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी, मतलब एक्स के लिए हमारे पास ए का पॉइंट है और वाई के लिए हमारे पास बी का पॉइंट होगा, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं भाई फॉर पॉइंट ए विच इज एक्स कॉमा जीरो, ठीक हो गया. और हमारे पास P और Q के दो पॉइंट्स गिवन हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई हम इस X की और जीरो की. स्टूडेंट्स, X का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरनल डिवीजन है, तो X के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एम एक्स वन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. याद रखिएगा हमें रेशियो की वैल्यू चाहिए, मतलब एम और एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं वाई की बात करूँ, तो y के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक. अब मुझे ना तो m पता है ना ही n पता है, लेकिन मेरे पास y2 की वैल्यू मौजूद है, y1 की वैल्यू मौजूद है और y भी मौजूद है. स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये है हमारे पास y, सही है. और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसमें x मेरे पास नहीं है, मतलब मैं इस साइड को यूज नहीं करने वाला, मैं इसे यूज करूंगा, ठीक हो गया. तो यहाँ पे आते हैं भाई, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और यहाँ पे y की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू एम वाई टू. स्टूडेंट्स, वाई टू हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई टू क्यू के पॉइंट में, सही, विच इज माइनस फोर, सही है. और फर्दर हम लिखेंगे प्लस एन वाई वन, y1 हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n, सही, डिवाइडेड बाय m प्लस n. स्टूडेंट्स, m प्लस n वहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो हमारे पास बचेगा 0
इक्वल्स टू माइनस का 4m और प्लस 10n। माइनस 4m को वहां पे ले जाएं, प्लस 4m इक्वल्स टू प्लस 10n। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा और 10 को इस तरफ ले आएंगे, तो m ओवर 10 इक्वल्स टू 10 ओवर 4। 2 की टेबल से स्टूडेंट्स इसको कैंसिलेशन कर दें तो m अपॉन n विल बी इक्वल्स टू 5 ओवर 2। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5 रेशियो 2 का, मतलब जो हमारे पास m की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5 और n हमारे पास हो जाएगा 2 के बराबर। सही, तो इसका फर्स्ट जो स्टेप था हमारे पास, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कम्प्लीट हो गई। अब सिमिलरली हम बात कर लेंगे फॉर पॉइंट बी में, इधर बराबर में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर बी विच इज 0, y। सही है, तो सारे समझ सकते हैं भाई, इस बार हम जीरो वाला पॉइंट यानी कि x वाला पॉइंट यूज करने जा रहे हैं। तो x का फॉर्मूला m x2 plus n x1 divided by m plus n। सही हो गया स्टूडेंट्स, x की जगह जीरो, ठीक है, m हमारे पास m ही है क्योंकि इसके लिए रेशियो डिफरेंट होगा, और x2 हमारे पास है माइनस का 8, है ना, कंफर्म कर लेता भाई इस चीज को। तो m हम x2 हमारे पास 6 है, सॉरी ये x2, ठीक है, और ये हो जाएगा x1, तो x2 6 है और x1 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। सही, शिफ्ट करते हैं भाई, अब यहाँ पुट कर देते हैं 6x2 की जगह प्लस n x1 की जगह स्टूडेंट्स माइनस का 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n है उसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सही है, इक्वल्स टू 6m माइनस 8n, स्टूडेंट्स माइनस का 8n इस बार वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस 8n इक्वल्स टू 6n। ठीक है, तो 8 ओवर 6 इक्वल्स टू m ओवर n, अगेन 2 के टेबल से इसको डिवाइड करवा दें तो इट विल बिकम 4 ओवर 3। इसका मतलब है कि m की वैल्यू 4 आ रही है, n की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटरॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर। ठीक है, तो हमें दो पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, मैं इसका एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ और दूसरा पार्ट आपकी जिम्मेदारी पे होगा। आई होप आप सारे उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, और अगर किसी को सॉल्व करने में कोई मसला हो रहा है, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है ये, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मैं फौरन उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं क्योंकि देखने से भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये, है ना, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटरॉइड हमारे पास किस तरीके से निकाला जाता है। स्टूडेंट सपोज कर लो सेंटरॉइड का पॉइंट अगर हमारे पास है कुछ इस तरीके से, हम इसको ओ का पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है, ओ एक्स कॉमा वाई, तो इस एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए। स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यूज कैसे आती है सेंटरॉइड के, ये हमारे पास होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय 3, है ना, इट इज जस्ट लाइक द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरह ही है, बस यहाँ पे तीन पॉइंट्स यूज होंगे और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो भाई पुट करके देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स वन हमारे पास क्या होगा, ये एक्स वन हो गया, ये एक्स टू हो गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स थ्री। सही है, तो माइनस टू प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस और माइनस का 8 डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो माइनस 2 एंड माइनस 7 इट विल बी माइनस 9, माइनस 9 एंड माइनस 8 तो इट विल बी माइनस 17। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया x का विच इज माइनस 17 ओवर 3। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स y की, तो y के लिए फॉर्मूला हमारे पास है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है,
ये हमारे पास हो जाएगा वाई वन फाइव है, ठीक है, प्लस वाई टू हमारे पास है वन, और वाई थ्री है माइनस फोर, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री। तो स्टूडेंट्स इट विल बी फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स माइनस फोर तो ये टू आता है, तो टू ओवर थ्री भी हमारे पास वाई आ गया। तो जो फाइनल आपके पास आंसर है वो है ओ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू माइनस सेवनटीन ओवर थ्री कॉमा टू ओवर थ्री, तो ये हमारे फाइनल इसका आंसर हो गया। अरे काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, पार्ट वन इसका आप लोग अटेम्प्ट कर लें। फॉरन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 7.9 एंड -1.1, फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। सही है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको ऑर्डिनेट और एबसीसा के बारे में पता है, जो कि हो सकता है कि आपको 9 क्लास में कोई बहुत ही बुरे टीचर मिले हों तो उन्होंने आपको ये बात बता दी हो कि बेटे जो x की वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी ऑर्डर पेयर के अंदर, है ना, ये हमारे पास बेसिकली एक ऑर्डर पेयर है। सपोज कर ले एक पॉइंट है हमारे पास x, y, ये एक ऑर्डर पेयर कहलाता है। इसमें जो स्टूडेंट्स x है हमारे पास ये कहलाता है एबसीसा, ठीक है, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो माजरत चाहूंगा। और ये जो y होता है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, है ना, इसको हम क्या कहते हैं भाई, ऑर्डिनेट। और कंबाइनली एक्स वाई को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमें इसका ऑर्डिनेट तो गिवन है, एबसीसा नहीं दिया हुआ, मतलब एबसीसा की जगह हम क्या रखेंगे भाई, एक्स रख के देखेंगे, है ना। हमसे कह रहा है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, 7.9 एंड -1.1, फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। मतलब आपको 4 तो दे दिया, मतलब y की वैल्यू आपको गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि भाई x निकाल के लाओ, ठीक है। तो x कैसे निकालेंगे भाई, इसको ज़रा हम डिस्कस करके देखते हैं। सपोज कर लेते हैं भाई ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पे हमारे पास पॉइंट है a का विच इज 7.9, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है b का विच इज -1.1, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट P मौजूद है विच इज x कॉमा y, नहीं y की जगह हम 4 रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू तो हमें गिवन है, सही है, हमें ये नहीं गिवन है x, ठीक हो गया। अब भाई करना आपने कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से जो है वो रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो का जो फॉर्मूला है आपने वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो रेशियो का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास x के लिए क्या है, x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। सर हमारे पास ना तो m है ना तो n है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई रुक जाए हम भी, हमने y तो लिखा नहीं है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को कंसिडर करेंगे सबसे पहले, और यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, m एंड n की वैल्यूज, और उसे हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो सबसे पहले y वाला फॉर्मूला कंसिडर कर ले भाई, तो y की जगह हम रखेंगे 4, ठीक है, जो इसका ऑर्डिनेट हमें गिवन था। m की जगह तो m रहने वाला है, y 2 और स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 1 के बराबर, प्लस n एज इट इज रहेगा, और y 1 स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सही हो गया, फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो भाई m प्लस एन को वहाँ शिफ्ट करवा दे, 4 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 4m प्लस 4n इक्वल्स टू m प्लस 9n, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं तो 4m माइनस m अलग हो गया, और 9n माइनस का 4n अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 3m, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8n, मतलब m अपॉन n जो है वो आ रहा है हमारे पास 8/3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स m हमें मिल गया 8, और n कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, n आ रहा है भाई 3 के बराबर। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, x वाला जो फॉर्मूला है उसे कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स m की जगह मैं रखने जा रहा हूँ 8, ठीक है, x2 मेरे पास माइनस का 1 था, प्लस n की जगह हम रखेंगे 3, और x1 देख लेते भाई, x1 हमारे पास क्या है, x1 है 7, तो यहाँ पे रख लेते हैं 7, सही है।
डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 प्लस 3 7 का 21 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 ये 11 होता है, ठीक है। 21 में से स्टूडेंट्स 8 माइनस करते तो 13, तो ये आ जाएगा 13 ओवर 11 विच इज द वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.1 को वाइंड अप कर दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह इन आर नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट लेंगे, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू सो मच।